बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के सरधना इलाके में आज सुबह तेज आवाज के साथ हुए धमाके में कई मकानों की छत उड़ गई। जिस मकान में मुख्यतः धमाका हुआ, उस परिवार के दो सदस्यों की भी चपेट में आने के कारण मौत हो गई, जबकि कई अन्य को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रथम दृष्टया विस्फोट का कारण गैस रिसाव व सिलेंडर फटना बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गंधक की गंध व आतिशबाजी का धमाका होने की आशंका के चलते फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। यह हादसा गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि आकिल खान के घर की रसोई में गैस सिलेंडर लीक हो रहा था। खाना बनाने के लिए जैसे ही चूल्हे में आग लगाई गई, सिलेंडर ने आग पकड़ ली और तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जबकि आसपास के भी कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस धमाके के कारण एक ही परिवार के आसिम खान व कासिम की मौत हो गई है। फर्स्ट बाइट टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों व प्रभावित परिवारों के सदस्यों से बातचीत की। जी, मैं पास में ही थी, थोड़ी काफ़ी दूर से थी मैं, पर ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मैं पास में ही थी। मैं बच्चों के पास ही जा रही थी, बुरखा ओढ़ रखा था मैंने, तो एकदम धमाके की आवाज़ आई है मुझे, तो मैं चौक में भागी हूँ, देखा तो मेरी बच्ची घायल थी। दो बच्ची हैं, एक मेरा नातिन है, 2 साल का बच्चा है मेरा, वो ज़्यादा घायल थी। तुरंत ही हम हॉस्पिटल लेकर आए, एडमिट कराए हमने यहाँ पे आकर। कैसे हुआ, मतलब क्या लगा? धमाका बारूद बता रहे हैं, बारूद आया है, बच्चे के पैर जले हुए हैं, पैर काफ़ी जल रहे हैं दोनों बच्चों के, एक में सिर में चोट है ज़्यादा, पैर में चोट है दोनों बच्चों के। और कितना नुकसान है मोहल्ले में? बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान है, पूरा मकान गिर गया है हमारा। जी, लोग मेरठ भी गए हैं? जी, काफ़ी लोग मेरठ गए हैं, जिन्हें निकाला है वहाँ से उन्हें मेरठ लेके गए, उनकी सीरियस हालत है। किसके घर में सबसे पहले धमाका हुआ? टेहर की के बता रहे हैं खास साहब, महबूद खान। मेरा नाम मोहम्मद मोबिन। मोबिन भाई, किस वक्त हादसा हुआ और कैसे लगा आपको ये जब हुआ? ये तकरीबन जी कम से कम 1.5 घंटा पहले की बात है। हम अपने घर में थे जी, काम कर रहे थे कि एकदम ऐसा हुआ कि जैसे युद्ध छिड़ गया हो, किसी ने बम गेर दिया, तो हमारी चीखें निकल गई जी, चीख पुकारे मच गए, हम बेहोश, कोई इधर को कोई इधर को, ऐसे धूल मट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जी। और कम से कम 10 मिनट बाद जब होश में आया तो पता चला कि पड़ोस में जो है धमाका हुआ है बहुत तगड़ा, और वहाँ जाके देखा तो कई मकान ध्वस्त हो गए जी, और रास्ता भी बंद हो गया। फिर पब्लिक आ गई, पब्लिक ने देखा तो उसमें दो हैं जी, वो तो दो का तो इंतकाल हो चुका है, एक्सपायर हो गए, और कई जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ बच्चे बच्चों को चोट आई? तो बच्चे तो नहीं है इसमें, बच्चे तो ये कर इनके जो है शादी में गए हुए थे। ये जो आपका घर टूटा हुआ है, ये उसी से टूटा है? जी, ये उसी से टूटा है, और बच्चे हमारे आंगन में खेल रहे थे कि ऊपर वाले का ये करम हुआ कि किसी का ईट वीट या कुछ नहीं लगी, और बहुत तगड़ा धमाका था जी, लोग औरतों की और बच्चों की सबकी चीख निकल गई। क्या लग रहा है कि बारूद का धमाका था, कैसे मतलब क्या लग रहा है? ये अभी कहा नहीं जा सकता जी, सिलेंडर का या बारूद का या किसी चीज़ का, लेकिन धमाका ऐसा था जी, अगर आदमी दिल दहलाने वाला धमाका था। मौके पर मौजूद सीओ सरधना आरपी शाही ने यह जानकारी दी। आज सुबह कस्बा सरधना कस्बे में आसिम के मकान में एक विस्फोट की सूचना थी। मौके पर हम लोग आए हैं तो विस्फोट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है, घायल की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और विस्फोट गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगने से हुई है, बाकी अन्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर, आसपास के घरों को भी क्षति हुई है? हाँ, कुछ क्षति हुई है, और विस्फोट की जानकारी, एक्चुअल जानकारी के बारे में पता किया जा रहा है कैसे विस्फोट हुआ। फिलहाल पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मौके पर है, फॉरेंसिक टीम आ गई है, उसकी जाँच की जा रही है, बाकी नगर पालिका के कर्मी यहाँ हटाए जा रहे हैं, उनके द्वारा मलबा हटाया जा रहा है, और जो भी आवश्यक कार्रवाई है ये पुलिस द्वारा की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।